नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब देते हैं खबरों को विस्तार। खबर आ रही है गंज वासोदा से, जहां पुरानी रंजिश के चलते एक विवाद हुआ है। गांव में 144 की धारा एहतियातन लगा दी गई है। जी हां, गंज वासोदा में सोमवार की देर शाम को ग्राम देरखी में विमानचल समारोह के दौरान विशेष समुदाय के लोगों ने गाँव के ही रामबाबू रघुवंशी को पुरानी रंजिश के चलते पीट दिया, जिसके बाद गाँव में विवाद की स्थिति निर्मित हुई। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची। उस समय मामले को शांत कराया गया, लेकिन मंगलवार को विदिशा से पुलिस बल आ गया, जो गांव में पूरे दिन तैनात रहा। शांति भंग ना हो इसलिए पुलिस ने गांव में धारा 144 लगा दी थी। पूरे दिन पुलिस बल तैनात रहा। शाम को करबला का जुलूस पुलिस की मौजूदगी में निकाला गया। वहीं वासोदा शहर में हिंदू जागरण मंच द्वारा रामबाबू रघुवंशी के साथ मारपीट करने वाले आरोपी और हिंदू धार्मिक आयोजन में विघ्न डालने वाले आरोपियों पर कार्रवाई को लेकर एसपी विनायक वर्मा के नाम एसडीएम प्रकाश नायक को एक ज्ञापन सौंपा गया। इंडिया खबर लाइव के लिए एलएन चौबे के साथ सचिन शर्मा की एक रिपोर्ट। शाम के समय की घटना थी। हिंदू समाज के कुछ ढोल 11 के समय डोला लेकर निकल रहे थे। देर की गाँव की घटना है और वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, जैसे मुस्लिम समाज बाहुल है, वहाँ पर उन लोगों ने आक्रमण कर दिया। डोले के साथ मारपीट की और रामबाबू रघुवंशी नाम के हमारे जो हिंदू समाज के बंधु हैं उनके साथ बहुत बेरहमी से उनके साथ मारपीट की गई। इसके विरोध में हमने ये ज्ञापन दिया। हम चाहते प्रशासन से, प्रशासन ने कार्रवाई तो की पर कुछ मामूली धाराओं लगाकर और उनको गिरफ्तार किया, जो कि 24 घंटे अंदर उनकी जमानत हो जाए। हम चाहते हैं उनकी राष्ट्रपा के अंतर्गत कार्रवाई हो। ये हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया है और हमारे भगवान जो आराध्य हैं और उनके डोले के साथ उनको डोले को क्षतिग्रस्त किया गया है। वो संबोधित करते हुए ज्ञापन दिया है जिसमें उन्होंने अपनी पूरी बात रखी है। तो मैं शीघ्र वो ज्ञापन एसपी महोदय को भेजवा। कल रात को ढोल ग्यारस निकल रहे थे, उसी समय ग्राम देरखी के रामबाबू रघुवंशी को कुछ दूसरे पक्ष के लोगों ने पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट की थी। इसको कुछ लोगों ने उसको धर्म से जोड़ने की कोशिश की, परंतु पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पहुंचकर उचित कार्रवाई कर FIR करने और संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार करने से ये सब सामान्य ढंग से निपट गया। और वहाँ पूर्णतः शांति है और करबला का भी अभी जुलूस निकला है, वो शांतिपूर्ण निकला वहाँ, और कोई दिक्कत नहीं है वहाँ, सामान्य बात है वहाँ।